वो बूस्टर के नियम में हमने क्या पढ़ा था, बूस्टर के नियम में आप लोगों को मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें इतना ही बताया था कि अगर कोई भी तरंग है वो अगर बूस्टर कोण के ऊपर आपतित होगी तो उसकी परावर्तन ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि परावर्तित तरंग क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है, इस वजह से भी उसकी ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर हमने ये भी बताया था कि जो बूस्टर कोण है उसके ऊपर अगर कोई तरंग आपतित होगी तो उसका अपवर्तित तरंग जो है वो कैसी होगी, आंशिक रूप से ध्रुवित होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आंशिक रूप से ध्रुवित है उसके अंदर आप देखोगे तो डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा आपका क्या है देखोगे तो इसके अंदर पॉइंटों के बीच में क्या है थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा, इस तरीके से शो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई तरंग पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है तो आप वो लोगों को मालूम है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, संचरित होगी। तो उस कंडीशन के अंदर उसको किस प्रकार से, इस डॉट से प्रदर्शित किया गया है, इसमें और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। अब देखो इसके आगे अगर आपको बूस्टर कोण का मान ज्ञात करना है, किसका बूस्टर कोण का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, बूस्टर कोण का मान, बूस्टर कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, स्नेल के नियम का, स्नेल के नियम से। N2 अपॉन N1 किसके बराबर होता है, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। अगर मान लो जो विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित हो रही है दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर, वो थीटा आई बराबर किस एंगल से, थीटा बी, बूस्टर कोण से आपतित होती, होती है। तो उस कंडीशन में आप देख, आपको मालूम हो थीटा आई प्लस थीटा आर इक्वल टू हमने क्या माना, पाई बाय टू मान रखा है, तो यहाँ पे थीटा आई की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा बी इक्वल प्लस थीटा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय टू। यहाँ से थीटा आर का मान क्या हो जाएगा, थीटा आर बराबर आपके आएगा पाई बाय टू माइनस के थीटा बी, यही वैल्यू आएगी। अब इस मान को और इस मान को इस समीकरण में रखोगे तो उस कंडीशन में यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, एन टू अपॉन एन वन बराबर साइन थीटा बी अपॉन साइन पाई बाय टू माइनस के थीटा बी। तो साइन पाई बाय टू माइनस के थीटा बी, साइन पाई बाय टू माइनस के थीटा बी जो होता है वो किसके, मतलब साइन 19 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एन टू अपॉन एन वन का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी, तो यहाँ से एन टू अपॉन एन वन बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बी बराबर टेन इनवर्स एन टू अपॉन एन वन। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग किस बूस्टर कोण के ऊपर क्या हो रही है, उस परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जिस कंडीशन में उसकी परावर्तित ऊर्जा का मान शून्य है और अपवर्तित तरंग जो है वो क्या हो रही है, आंशिक रूप से ध्रुवित हो रही है, उस एंगल का मान आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको क्या दिया हुआ हो, अगर आपको दो माध्यमों दोनों ही माध्यम के क्या दिया गया हो, अपवर्तनांक का मान मालूम हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस माध्यम दोनों माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के बूस्टर कोण का मान या फिर आपतन के कोण का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसको इक्वेशन मत बोलिए, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें ई नॉट वन अपॉन ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन और एक ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन डैश, मतलब जो फ्रेनल के समीकरण के अंदर आपने देखा था हमने थीटा आई और थीटा आर प्लस ग्रेटर देन पाई बाय टू और थीटा आई प्लस थीटा आर लेस देन पाई बाय टू, इनके ऊपर हमने क्या कि कुछ कंडीशन पढ़ी थी। अगर मान लो कि यहीं पर अगर यदि क्या हो जाए, इसी समीकरण में यदि थीटा आई आपतन कोण का मान क्या हो जाए, कोण का मान
अब बर्तन कौन से क्या हो जाए, अधिक मतलब थीटा आई ग्रेटर देन क्या हो जाए थीटा आर। तो उस कंडीशन में आपको मालूम है जो हमने पढ़ा था वो क्या था, थीटा आई प्लस थीटा आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाय टू। ये कंडीशन हमने फ्रेनेल के समीकरण के अंदर पढ़ी थी, जब हमने इससे पहले कुछ अलग माध्यमों के अंदर समांतर वाली कंडीशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था जो फ्रेनेल की समीकरण ज्ञात की थी, तो टेन थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा आर वाली कंडीशन में ये पता करने के लिए कि तरंग जो है वो उस तरंग के अंदर आपतित तरंग और परावर्तित तरंग इन दोनों के बीच में किस प्रकार से इनको रिलेट कर सकते हैं, मतलब इनकी कला कैसी होगी, समान कला में होगी या विपरीत कला में होगी, उसके लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी। अब आपको मालूम है थीटा आई प्लस थीटा आर अगर ग्रेटर देन पाई बाई टू हो जाएगा तो उस कंडीशन में टेन थीटा आई प्लस थीटा आर का मान क्या हो जाता है, लेस देन जीरो। ठीक है, टेन थीटा आई प्लस थीटा आर का मान क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये लेस देन जीरो होगा तो उस कंडीशन के अंदर ई नॉट वन बेस अपॉन ई नॉट वन पैरेलल क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। जब ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन पैरेलल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो परावर्तित तरंग और आपतित तरंग, अब देखो यहाँ पे आयाम का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आता है तब उस समय मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्रेनेल समीकरण के अंदर आप रेशियो निकालो अगर मान नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपतित और परावर्तित दोनों तरंगे वो आपस में कैसी है, विपरीत कला में होगी। तो यहां से क्या स्पष्ट होगा, यहां से क्या अर्थ निकल रहा है, स्पष्ट है कि परावर्तित तरंग और आपतित तरंग क्या होती है, विपरीत कला में। और एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर बूस्टर कोण से आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है, मतलब थीटा आई अगर थीटा बी के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों तरंगों के अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, मतलब कला जो है वो परिवर्तित होती रहेगी उस कंडीशन के अंदर भी। तो एक और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्या हो थीटा आई आपतन कोण का मान क्या हो जाए, बूस्टर कोण से अधिक, आपतन कोण थीटा आई क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए थीटा बी से, बूस्टर कोण से होने पर भी क्या होगा, परावर्तित तरंग की क्या होती रहेगी, कला परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर एक और डेफिनेशन आपकी बच जाती है, जब आप बूस्टर कोण के बारे में पढ़ लेते हो उसको ज्ञात कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया, अब उसके बाद बचती है कि ध्रुवण की कोटि। मैनली ध्रुवण की कोटि क्या होती है, मैनली ध्रुवण की कोटि यह प्रदर्शित करती है कि जब आप किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करते हो, बूस्टर कोण के ऊपर आपतित करते हो, तो उस कंडीशन में उससे हमें परावर्तन के रूप में जो ध्रुवित तरंग प्राप्त होती है यही जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है, ध्रुवण की कोटि या डिग्री ऑफ पोलराइजेशन कहलाती है। लेकिन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मान क्या होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि कोई भी तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो बूस्टर कोण के ऊपर ही क्या हो, तो दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसके पोलराइजेशन ध्रुवण की कोटि भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, उसका मान क्या होगा वो अभी हम पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्रुवण की कोटि, इसमें क्या है, इसमें आपको मैंने ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग आपतन के आपतन कोण का मान किसके बराबर नहीं है, बूस्टर कोण के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उस प्रकार की उस तरंग के जो
तरंग के अंदर जो ध्रुवण होता है, अगर उसकी तरंग परावर्तित तरंग को ध्रुवित करना होता है, तो उसके लिए ध्रुवण की जो कोटि होती है उसको ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो किस किस के रेशियो के बराबर होता है, वो होता है आप लोगों के जो परावर्तन गुणांक होते हैं, लंबवत परावर्तन गुणांक और समांतर परावर्तन गुणांक के अंतर और योग के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि तरंग का आपतन कोण क्या हो, आपतन कोण थीटा आई इज नॉट इक्वल टू थीटा बी, इसके बूस्टर कोण होने पर परावर्तित तरंग क्या होती है, तरंग पूर्णतः ध्रुवित नहीं होती है, वन कैसी होती है, वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगी, कंप्लीटली वो क्या नहीं होगी, पोलराइज नहीं होगी, आंशिक रूप से क्या होगी, ध्रुवित होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर इस स्थिति के अंदर आपको ध्रुवण की कोटि का मान ज्ञात करना है तो उसको निम्न प्रकार से व्यक्त करता है, व्यक्त करते हैं। इस स्थिति में आप मैं ध्रुवण परावर्तित तरंग के ध्रुवण की कोटि P बराबर क्या होती है, R परपेंडिकुलर माइनस R पैरेलल अपॉन R परपेंडिकुलर प्लस R पैरेलल, ठीक है ना, जहां पे R परपेंडिकुलर क्या है, R परपेंडिकुलर एंड R पैरेलल ये क्या है, परावर्तन गुणांक है, इसका विद्युत चुंबकीय तरंग का परावर्तन गुणांक जब कर्मशः जब विद्युत क्षेत्र सदिश कर्मशः क्या हो, कर्मशः परावर्तक पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत व समांतर हो उस कंडीशन में। और यदि आपको मालूम है अगर थीटा आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बी के बराबर, किसका मान, यदि आपतन कोण किसके बराबर हो, थीटा बी बूस्टर कोण के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में आर पैरेलल का मान हमने पहले भी पढ़ा था, टेन थीटा आई माइनस थीटा आर का मान किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो पोलराइजेशन है उसका मान क्या जाता है, पोलराइजेशन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है वो वन के बराबर आती है, इसका मतलब क्या होगा, अर्थात परावर्तित तरंग क्या होती है, ध्रुवित होती है। या फिर ये कह सकते हो कि इस कंडीशन के अंदर ध्रुवण क्या होता है, तरंग का ध्रुवण क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चन है जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो, दो अचालक माध्यमों, दो अचालक माध्यमों
के अंतराप्रस्थ के अंतराप्रस्थ पर क्या होती है अभिलंबवत आपतित होती क्या हो रही है तो इसके लिए फ्रेनल समीकरण इसके लिए फ्रेनल समीकरण व परावर्तन व पारगमन परावर्तन व पारगमन गुणांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना? परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। एक तो आर का टी का, उसके बाद में आपको ई नॉट वन अपॉन ई नॉट वन डैश अपॉन ई नॉट वन का, ई नॉट टू अपॉन ई नॉट वन का। क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर एक तो ये डायरेक्ट आपका डेरिवेशन के फॉर्मेट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, दूसरा आपको इस क्वेश्चन के ऊपर कभी कभार क्या पूछ लिया जाता है परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का मान डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो उसके लिए क्योंकि आप लोगों को मालूम है अभिलंबवत इंसिडेंट हो रही है, तो इस कंडीशन में परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान तो आपको पहले से मालूम है क्या आया था आप लोगों के, एन वन माइनस एन टू का होल स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर, ये तो क्या था आर का मान था। और टी का मान जो आ रहा था वो आपके क्या आ रहा था, फोर एन वन एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। अभी भी मान अभिलंबवत की कंडीशन में यही आएगा, परंतु अब अभिलंबवत की कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो ये मान प्राप्त हो रहे हैं उस आधार के ऊपर जो विद्युत चुंबक के तरंग है उनके आयाम क्या, आयाम के रेशियो का क्या समीकरण होगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वो E नॉट वन डैश और E नॉट वन डैश अपॉन E नॉट वन, E नॉट टू अपॉन E नॉट वन, इनका मान क्या था वो भी आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे तो बुक के अंदर दो से तीन क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट पूछे हुए कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबक की तरंग अभिलंबवत रूप से इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में उसके परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक या फिर विद्युत क्षेत्र के आयामों का रेशियो ज्ञात कीजिए, या फिर ये पूछ लेता है कि इन जब विद्युत चुंबक की तरंग अभिलंबवत रूप से इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपको इसके परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक के मान को भी वो पूछ सकता है। तो देखिए अब ये जो है इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं, क्योंकि जब हमने कंडीशन पढ़ी थी लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर जब हमने कंडीशन पढ़ी थी सॉरी कल वाली क्लास में, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई विद्युत चुंबक की तरंग क्या होती है अभिलंबवत रूप से इंसिडेंट होती है, मतलब थीटा आई का मान क्या हो जाए वहां पर जीरो हो जाए अभिलंब के ऊपर, मतलब वो अभिलंब के ऊपर ही है, मतलब एकदम अभिलंब की दिशा केंद्र क्या है जा रही है, मतलब अभिलंब से किसी एंगल के ऊपर नहीं है, अभिलंब की दिशा केंद्र क्या हो रही है परावर्तक पृष्ठ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान थीटा आई जीरो हो जाता है, तब उस कंडीशन में परावर्तन कोण थीटा आर डैश का भी मान जीरो होगा और अपवर्तित तरंग के लिए अपवर्तन कोण का मान थीटा आर भी किसके बराबर होता है जीरो, मतलब परावर्तित तरंग जो होगी वो वापिस उसी परावर्तक जो भी भाग उस तरंग का परावर्तित तरंग का आपतित तरंग का परावर्तित होगा वो सेम का सेम पार्ट क्या होगा उसी जगह से उसी परावर्तक उसी अभिलंब के ऊपर वापिस क्या हो जाएगा परावर्तन के पश्चात वापिस उल्टी दिशा के अंदर वापिस आ जाएगी तरंग, मतलब अभिलंब के साथ में उसका कोण क्या हो जाएगा जीरो। उसी तरीके से अपवर्तित तरंग क्या होगी जिस दिशा में अभिलंब दूसरे माध्यम है उसी दिशा के अंदर उसी अभिलंब के ऊपर क्या होती रहेगी वो तरंग अपवर्तित भी होती रहेगी। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब देखो अगर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है ध्रुवित है, आपको मालूम है जब भी हमें फ्रेनल समीकरण ज्ञात करनी है तो उसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कैसी तरंग का उपयोग करते हैं, ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। तो ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें के ई और बी तीनों ही क्या होते हैं, के ई बी या फिर आप एच, ये तीनों ही क्या होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, तो कंडीशन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्स डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में के वेक्टर तो क्या होगा इस दिशा में आगे की तरफ इस तरंग को
उधर से करेगा और एच वेक्टर क्या होगा इस तरह के लंबक बाहर की तरफ वाई एक्स के अनुदिश। ठीक है, ये तो कौन सी तरंग होगी आपकी तरंग। अब देखो जब आपकी तरंग के लिए थीटा इंसिडेंट का मान क्या है जीरो के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर वापिस जो परावर्तित होगी तरंग वो क्या होगी इसी दिशा में इसी अभिलंब के ऊपर वापिस क्या आ जाएगी जिस दिशा में आपती रही उसी दिशा में वापिस मुड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ए वन डैश वेक्टर ऊपर ई वन डैश वेक्टर। परंतु अब क्या होगा यहाँ पे एच वन वेक्टर की क्या है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो किधर की तरफ आ जाएगा इस दिशा में और ये डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी माइनस से वाई कैप वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ये कौन सी तरंग है परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग जो होगी वो क्या होगी वो इसी तरीके से होगी एच टू वेक्टर ए टू वेक्टर और ए टू वेक्टर। ये किसको प्रदर्शित करती है अपवर्तित तरंग। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से तल के इंसिडेंट हो रही है आपतन कौन से तल में हो रहा है आपतन परावर्तन और अपवर्तन ये तीनों क्या है एक्स जेड तल के अंदर। तो उस कंडीशन में ये परावर्तक पृष्ठ है कि ऊपर जो परावर्तक पृष्ठ को या फिर ये कह सकते हैं दोनों माध्यम ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम म्यू वन एप्सिलॉन वन एन वन म्यू टू एप्सिलॉन टू एन टू। तो इन माध्यमों की परिसीमा के ऊपर जो ये परावर्तक पृष्ठ या फिर आप ये कह सकते हैं जो इन दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है ये पृष्ठ ये परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो अंतरापृष्ठ बोल सकते हो या फिर इसको परिसीमा बोल सकते हो ये किसके ऊपर उपस्थित होगा जिसे आप अंतरापृष्ठ भी बोलते हो परिसीमा। ये कौन से एक्स वाई तल में उपस्थित होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो परावर्तक पृष्ठ या फिर ये कह सकते हो अंतरापृष्ठ जो है वो किसके ऊपर एक्स वाई तल के अंदर स्थित है जहां पे जेड का मान क्या है जीरो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है जब ये कोई भी तरंग इस तरीके से इंसिडेंट होती है जब इस तरीके से इसका परावर्तन होता है अपवर्तन होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा इसकी फ्रेनेल की समीकरण और साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा परावर्तन गुणांक और अपवर्तन गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्या है विद्युत चुंबक की तरंग इस तरीके से क्या होगी इस परिस जो विद्युत चुंबक की तरंग है वो क्या हो इस तल के समांतर रूप से थीटा आई बराबर जीरो डिग्री के कोण के ऊपर आपतित होती है। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर परावर्तन कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण सबका मान क्या होगा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे विद्युत चुंबकीय की तरंग है उसका ध्रुवण किस प्रकार से है कि इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश क्या है ई वेक्टर क्या है तल के समांतर है। कौन से तल के आपतन तल के वो क्या है समांतर हो। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहां से आपतित परावर्तित और अपवर्तित इन तीनों तरंगों के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेनेल समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो इन तीनों तरंगों के लिए आप क्या कर सकते हो
विद्युत क्षेत्र सदिश के समीकरण को लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के भी समीकरण को लिख सकते हो। जब क्या हो, विद्युत क्षेत्र सदिश क्या हो, आपतन तल के समांतर हो तो आपतित परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश के समीकरण क्या होगी, सदिश ई वेक्टर के समीकरण वो क्या होंगे, ई वन वेक्टर। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो ई ई वन ई वन डैश और ई टू ये तीनों के तीनों किस डायरेक्शन के अंदर पोलराइज्ड है, तीनों के तीनों की डायरेक्शन क्या है, आई कैप डायरेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे तरंग का संचरण तीनों ही के अंदर आप देखोगे तो जेड दिशा के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो होगी वो ई वन वेक्टर बराबर क्या आएगा, ई नॉट वन एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन जेड माइनस के ओमेगा टी आई कैप। ई वन डैश बराबर क्या होगा, ई नॉट वन डैश एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन डैश जेड माइनस के ओमेगा टी आई कैप। ई टू वेक्टर बराबर क्या आएगा, ई नॉट टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू जेड माइनस के ओमेगा टी। ये एक ये दो और ये तीन, तीनों के अंदर ही चेंजिंग सिर्फ कितनी, कौन सी चीज का चेंजिंग सिर्फ इतना सा है, इसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एक टाइम पे चेंज हो सकती है। बाकी आप तीनों में देखोगे तो तीनों ही तरंग के अंदर क्या है, k का मान जो है वो एक बार चेंज हो रहा है और एक बार किसका मान चेंज हो रहा है, h का मान। बाकी दो तरंगों के लिए संचरण तरंग संचरण की दिशा समान है, एक तरंग के लिए उसकी दिशा क्या हो रही है, विपरीत, क्योंकि परावर्तित तरंग पहले ही माध्यम के अंदर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। थीटा r r डैश बराबर किस एंगल के ऊपर, 0 डिग्री के एंगल के ऊपर, इस वजह से ये मान है। अब देखो जैसे हमने विद्युत क्षेत्र सदिश का मान लिखा है वैसे के वैसे हम क्या करें, अगर चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान लिखना चाहे किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश के समीकरण क्या होंगे, क्योंकि तो यहाँ पे देखोगे तो ये H वेक्टर जो है अब ये क्या है, इस तल से बाहर की तरफ तल के लंबवत है और इन एक्स जेड तल के लंबवत कौन सा आता है, Y आता है। तो इस वजह से H1 के अंदर डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी, J कैप डायरेक्शन आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश की समीकरण जो होगी वो H1 वेक्टर बराबर क्या होगा, H01 एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 Z माइनस के ओमेगा T J कैप। H1 डैश वेक्टर बराबर क्या होगा, H01 डैश एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश Z माइनस के ओमेगा T। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा उसे, माइनस के जे कैप। और एक और समीकरण जो बच जाती है वो क्या है, एच टू वेक्टर बराबर एच नॉट टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू जेड माइनस के ओमेगा टी जे कैप। चार पांच और ये ठीक है ना, तो इन समीकरण को हमने ज्ञात कर लिया। अब वापिस हम क्या करेंगे, इनके ऊपर परिसीमाओं का उपयोग करेंगे, स्पर्शीय घटक की परिसीमा का, क्योंकि अब यहाँ पे देखोगे समांतर है तो इस कंडीशन में ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या है, जो इस परावर्तक सीमा या फिर ये कह सकते हो इन दोनों माध्यमों के ऊपर क्या है, स्पर्श करते हुए तो कंडीशन के अंदर इनके परिसीमा के ऊपर जो स्पर्शीय घटक होंगे वो भी क्या होंगे, सतत होंगे। और उसके आधार के ऊपर हम क्या कर लेंगे, इसकी थर्मल समीकरण को भी याद कर लेंगे, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।